हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 + 2 t² m/s, देन द एवरेज एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। हमें क्या करना है, यहाँ पर एवरेज एक्सलेशन कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज एक्सलेशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला वो क्या है, v2 - v1 / t2 - t1। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो v1 वेलोसिटी जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, इसकी 10 + 2 t²। तो हम यहाँ पर इसकी क्या करना है, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो v1 हमारे पास क्या होगा, 10 + 2। तो पहला हमारे पास टाइम क्या है, t1, 2 सेकेंड है, तो यहाँ पर हम 2 डालेंगे, क्या डालेंगे, 2। 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो हमारे पास 10 + 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8, तो ये कितनी बन जाएगी, 18 m/s। उसके बाद v2 हमें फाइंड करना है, v2 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 10 + 2, और यहाँ पर हमारे पास t2 का टाइम क्या दिया हुआ है, 5 सेकेंड, तो हमने 5 डाला। अगर इसको हम स्क्वायर कर लेंगे फर्दर, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2 = 50, 50 + 10 हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, 60 m/s। अब हमें क्या करना है, एवरेज एक्सलेशन हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज एक्सलेशन। तो एवरेज एक्सलेशन के लिए हम क्या करेंगे, v2 हमारे पास कितनी है, 60 है, और माइनस करेंगे 18 डिवाइड बाय t2। t2 हमारे पास कितना, 5 है, एंड t1 = 2। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर 42 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। अगर इसको फर्दर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये कितने इक्वल होगा, 14 m/s². ये हमारे पास क्या होगी, एवरेज एक्सलेशन। क्या होगी बेटा, एवरेज एक्सलेशन 14 m².